आपके फ़ोन का इंटरनेट ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाता है ना, आपका अभी इंटरनेट ख़त्म होने के बाद आपको व्यवस्था है, आप जो इंटरनेट जो 3 वर्ष तक देख सकते तो वो आप 8 वर्ष तक भी चला सकते हैं कैसे, एंड कोई भी फेक एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड वैसे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो और लाइक ज़रूर करिए कि इतने मैंने से वीडियो बनाया ने आप देखे नहीं, कुछ नहीं कर रहे तो ठीक है, आप तो आखिर तक वीडियो देखे, आपको ये सेटिंग बता दें बैकग्राउंड कैसे ना हो, यानी आप चलते हैं सेटिंग में, सेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद आप जाएंगे, आप आउट सिस्टम में जाएंगे, सिस्टम से अबाउट फोन में जाएंगे, अबाउट फोन में जाने के बाद बिल्ड नंबर पे 7 बार क्लिक करेंगे, 7 बार क्लिक करेंगे इधर डेवलपर ऑप्शन ओपन होगा, क्योंकि मेरा पहले मैंने डेवलपर ऑप्शन ओपन करके रखा है इसलिए कोई बात नहीं। आगे देखें आपको इधर नीचे आएगा, आने के बाद आपको ये सिस्टम देखनी पड़ेगी कि यहाँ एक सिस्टम है, हाँ इधर नीचे थोड़ा और नीचे आने के बाद आपको दिखेंगी बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिटेड पे आप जाएंगे तो आप इस पे आपको ये ऐसा होगा लिस्ट स्टार्टेड लिमिट ऐसा होगा, तो नो बैकग्राउंड पे जाके प्रोसेस करेंगे, और आपको ये प्रोसेस करने के बाद नीचे होगा बैकग्राउंड चेक, तो ये ऐसा ऑन होगा या ऐसा ऑफ कीजिए, एंड आपको दूसरी सेटिंग बता देता हूँ। ओके, कोई भी आप न्यू एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो तो आप इसे कोई भी ऐप लीजिए, इसे इधर जाएंगे तो इधर बैकग्राउंड डाटा यूज़र पे जाएंगे तो बैकग्राउंड डाटा होगा, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ये जाकर इसे बैकग्राउंड डाटा ऑन होगा तो ऑफ कीजिए, ये एक सेटिंग। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच, एंड लाइक और सब्सक्राइब करिए, नए लगे तो डिसलाइक कीजिए, ऐसे फैल तो वीडियो को मत देखे कि